हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। और एल्गी की लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। इससे पहले हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बातें कर ली हैं, देन आफ्टर हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो तरीके थे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, उनका हमने डिस्कशन ले लिया था। और अब हम नेक्स्ट जो तीसरे टाइप का रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम लैंगिक जनन के रूप में जानते हैं, उसकी बातें करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें दोबारा से उसी चीज़ को रिमाइंड कर लेना है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में साइटोलॉजिकल एंड जेनेटिकल किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं था। जब हम असेक्सुअल के स्पोर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे साइटोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस हैं, वो मैन जो कायिक कोशिकाएं हैं उनको अगर हम बीजाणु की संरचना से कंपेयर करें तो उनमें जो कोशिकीय संगठन है, संरचनात्मक जो संगठन होता है, उसको लेकर के काफ़ी अंतर आ जाते हैं। तो वो एक प्रकार के साइटोलॉजिकल मॉडिफिकेशन है, लेकिन वहाँ किसी प्रकार का जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कोई चेंजेज नहीं होता है। बट जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ जो संरचनाएं बनेंगी, उन संरचनाओं को या उन खास स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पे बोलते हैं गैमेट्स। गैमेट्स को हिंदी में बोलते हैं युग्मक। युग्मक ऐसी संरचनाएं होती हैं जो युग्मन में भाग लेती हैं, यानी कि जब यूनियन होता है, जब फ्यूज़न होता है, जब जुड़ना, जिसको हम समझ सकते हैं सिंपली कि दो अलग अलग स्ट्रक्चर जब आपस में एक साथ जुड़ करके एक होती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज फ्यूज़न। और साइंटिफिक भाषा में हम इसे फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं। हालांकि इस फर्टिलाइजेशन के लिए जब हम फंजाई की बातें करेंगे, वहाँ पे जब डिटेल्स इन चीज़ों की बात आती है तो प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी ऐसी बातें भी आ जाती हैं। बट सिंपली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो संरचना बनेगी, दैट इज़ कॉल्ड एज गैमेट। गैमेट की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि दे आर हैप्लोइड इन देयर नेचर। जब भी युग्मक बनेगा तो युग्मक जो बन रहा होता है वो किसी एक टारगेट को कंप्लीट करने के लिए बनता है, और जो युग्मक हैं उनका टारगेट होता है आपस में जुड़कर के युग्मनज को बनाना, जायगोट को बनाना या ऊस्पोर को बनाना। और बनने वाला ऊस्पोर डिप्लॉयड नेचर का होता है। जब भी आप सिलेबस के जितने भी मेंबर्स हैं उनको जब हम आगे पढ़ेंगे, जब भी उनकी लाइफ साइकिल की बातें आएंगी, या हम एल्गी के अलावा भी कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब जायगोट की बात हो तो जायगोट हमेशा ही डिप्लॉयड होता है। तो जब किन्हीं दो चीज़ों के मिलने से कोई डिप्लॉयड बनता है तो मिलने वाली चीज़ें हैप्लॉयड ही होनी चाहिए। तो ये सिंपल सा फैक्ट है कि संरचनाएँ जो भी हैं उनको हम गैमेट बोल सकते हैं। बट कोशिकीय दृष्टि से देखें तो दे आर हैप्लॉयड इन नेचर। अब हम एक दूसरी बात ये भी यहाँ पे ऐड रखेंगे, जो हमने पहले के वीडियो में डिस्कस कर ली थी, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मल जो नंबर बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन के तरीके होते हैं उनमें शामिल नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन जो टारगेट होता है वो नंबर बढ़ाना नहीं होता है। इसका मेन टारगेट होता है एडवर्स कंडीशंस में लाइफ को ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देना जो एडवर्स स्ट्रक्चर को, एडवर्स कंडीशंस को टॉलरेट करने में या सहन करने में सक्षम हो। और ऐसी संरचनाएं ही जायगोट या ऊस्पोर्स होती हैं। तो जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं तो उन प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल एल्गी के संदर्भ में प्रतिकूल का मतलब मुख्य रूप से हो जाता है पानी की कमी। तो जब वाटर डेफिशिएंसी हो या ड्राइनेस आ जाए, डेसिकेशन खूब सारा हो जाए, तो उस कंडीशन में लाइफ को बचाना इम्पोर्टेंट हो जाता है।
हालांकि आपने कुछ बातें इकोलॉजी की पहले पढ़ी होंगी और वहाँ से हमारे पास एक मैसेज होता है कि रिप्रोड्यूस करना हालांकि लाइफ का मकसद होता है, बट उससे भी बड़ा मकसद होता है जिंदा रहना या सर्वाइव करना। जिंदा रहना या जिंदा बना रहना, दैट इज़ कॉल्ड एज सर्वाइविंग, सर्वाइव। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सर्वाइव कर सकता है तभी वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा, अदरवाइज सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है तो देर इज नो एनी पॉसिबिलिटी टू रिप्रोड्यूस बाई एनी टाइप ऑफ मैकेनिज्म। तो सर्वाइव करने के लिए प्रॉब्लम तब आती है जब कंडीशन सपोर्टिव नहीं होती है, और ऐसा ही सेक्स रिप्रोडक्शन के दौरान हमें ध्यान रखना है कि जब एडवर्स कंडीशन होती हैं तो एल्गी जनन का एक तीसरा तरीका अपनाती है जिसे लैंगिक जनन बोलते हैं। और यहाँ पे एक बात आपको और ऐड रखनी है, दैट इज़ फ्रॉम द फील्ड ऑफ इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशन से भी हमें एक बात यहाँ पे ऐड करनी है। वो ये बात है कि एडवर्स कंडीशन जो भी आई हैं उनसे पहले कंडीशन फेवरेबल थी, यानी कि पहले एल्गी आराम से ग्रो भी कर रही थी, हो सकता है कि वो वेजिटेटिव भी रिप्रोड्यूस कर रही थी, हो सकता है वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर रही थी, बट एडवर्स कंडीशन आई और एडवर्स कंडीशन में उसको अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाना पड़ रहा है, और जब तक एडवर्स कंडीशन रहेंगी जायगोट के रूप में या ओस्पोर के रूप में उनको सहन भी किया जाएगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, एडवर्स कंडीशन जाएंगी भी और फेवरेबल कंडीशन दोबारा से भी आएंगी। अब जब दोबारा से फेवरेबल कंडीशन आएंगी उस समय पे जो भी थैलस बने वो पहले वाले थैलस से ज़्यादा अच्छा हो, अच्छा बोलने का मतलब अडेप्टेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जेनेटिक अडेप्टिबिलिटी जो होती है, आनुवंशिक रूप से जो संगठन और आनुवंशिक रूप से जो काबिलियत होती है वो पहले वालों से ज़्यादा अच्छी हो, इसके लिए जीव एक मैकेनिज्म का सहारा लेते हैं जिसमें वो दो अलग अलग जीवों के जेनेटिक मटेरियल को गैमेट्स के रूप में काम में लेते हैं और उससे जायगोट बना देते हैं जो अगली वाली पीढ़ी के लिए एक बेटर जेनेटिक स्ट्रक्चर के साथ में उपलब्ध होता है, जो आने वाले टाइम में और ज़्यादा अच्छे से स्पीसीज के लिए और ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़फुल होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने आप में एक अलग ही चीज़ हो जाती है, इनके मकसद ही अलग हैं। लाइफ को बचाना इसका मकसद है, बचाने के साथ साथ में पहले से और अच्छा जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑर्गेनिज्म के पास आए अगली पीढ़ी वालों के पास, ये भी इसमें आ जाता है, गैमेट्स का बनना है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब जैसे स्पोर हमेशा बनते हैं स्पोर एंजियम के अंदर, बीजाणु हमेशा बीजाणु धानी में बनते हैं, उसी प्रकार से गैमेट हमेशा गैमेट एंजियम में बनेंगे, यानी कि युग्मक का निर्माण होगा युग्मक धानी में। तो गैमेट एंजियम सिंगुलर होता है और गैमेट एंजिया प्लूरल वर्ड हो जाता है। अगले सेकंड पॉइंट को अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें बात समझ में आ रही है कि होमोथैलिक भी हो सकते हैं और हेटेरोथैलिक भी हो सकते हैं। होमो का मतलब एक समान से होता है, हेटेरो का मतलब विषम से होता है, जो एक समान नहीं होते। अगर हम होमोथैलिक वर्ड को डिफाइन करें तो हमारा यहाँ पे जो मीनिंग है वो ये होना चाहिए कि मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया, कि नर और युग्मक मादा जो युग्मक धानियाँ होती हैं, अगर वो एक ही थैलस के ऊपर बने, यानी कि एक प्रकार का ऐसा कंडीशन हो थैलस का कि उसी थैलस में मेल गैमेटेंजिया भी हो और उसी में फीमेल गैमेटेंजिया हो, यानी कि एक ही थैलस पर दोनों प्रकार के सेक्स गैमेट्स बन रहे हों, तो वो कंडीशन कहलाती है होमोथैलिक, जैसा कि हम क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज है मोनोइका उसमें ऐसा देख सकते हैं। दूसरी कंडीशन वो होगी जब मेल गैमेटेंजिया और फीमेल गैमेटेंजिया दो अलग अलग थैलस में बने, यानी कि एक थैलस में मेल गैमेटेंजिया बन रहे हों, दूसरे में फीमेल बन रहे हों, तो दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड एज हेटेरोथैलिक कंडीशन। तो एल्गी की अगर हम बात करें तो सेक्सुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लैंगिकता होती है उसकी दृष्टि से, होमोथैलिक भी होते हैं और हेटेरोथैलिक भी होते हैं।
देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट में हमें बात समझ में आएगी कि गैमेट्स आर नेग्ड स्ट्रक्चर, कि इनके ऊपर जहाँ भी हमें नेग्ड बोलना होता है, नेग का मतलब होता है कि विदाउट एनी टाइप ऑफ कवरिंग, और विदाउट कवरिंग बोलने का मतलब है कि देर इज़ द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, कि सेल वॉल नहीं पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करें क्लेमाइडोमोनास की, तो क्लेमाइडोमोनास के गैमेट्स में कई बार एक पतली सी भित्ति पाई जाती है। नॉर्मली युग्मकों के पास भित्ति नहीं होती है, लेकिन क्लेमाइडोमोनास के जो गैमेट्स हैं उन पे भित्ति पाई जाती है, ज़्यादा मोटी नहीं होती है, पतली भित्ति होती है। ऐसे गैमेट जिनके पास पतली भित्ति पाई जाए उनका नाम होता है कैलेप्टोगैमेट्स। तो कैलेप्टोगैमेट्स जो हैं दे आर द गैमेट्स बट दे हैव ए थिन सेल वॉल। तो पतली भित्ति वाले जो गैमेट्स हैं दे आर कॉल्ड एज कैलेप्टोगैमेट्स। देन नेक्स्ट पॉइंट में हमें समझ में आ रहा है कि सेक्सुअल मैकेनिज्म्स स्टार्ट एज सून एज द कंडीशंस स्टार्ट टू गेट एडवर्स, कि जैसे ही सराउंडिंग की कंडीशंस ख़राब होने लगती हैं उसी समय पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चालू हो जाता है, और जब तक कंडीशन ख़राब होती हैं तब तक लगभग एल्गी अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करके जायगोट को बना चुका होता है। जो गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स फ्यूज एंड फॉर्म जायगोट, और जब जायगोट अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति स्रावित कर लेता है तो उसे हम बोलते हैं ऊस्पोर। जायगोट के पास ज़्यादा मोटी भित्ति नहीं होती है, जबकि ऊस्पोर के पास ज़्यादा मोटी भित्ति का जमाव हो जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं निषिक्तांड। तो एक रेस्टिंग कंडीशन के अंदर जो स्ट्रक्चर जायगोट से आगे बनती है, जायगोट के ऊपर एक्स्ट्रा कवरिंग जो सेल वॉल की आ जाती हैं, भित्तियाँ जो बन जाती हैं उनसे हम उसको बोलने लग जाएंगे ऊस्पोर। और ये ऊस्पोर क्योंकि गैमेट्स जो हैप्लोइड है उसके जुड़ने से बना है, तो ये डिप्लोइड नेचर का है, तो यहाँ पे 2N लिखा हुआ है। और ये ऊस्पोर रेस्टिंग कंडीशन में जाएगा, पेरिनेशन करता है, यानी कि चीरकालिता दर्शाएगा। रेस्टिंग बोलने के पीछे, पेरिनेशन बोलने के पीछे जो हमारा लॉजिक है वो ये है कि जब तक कंडीशन सही नहीं हो जाती, यानी कि जब तक एडवर्स कंडीशन होंगी तब तक लाइफ है वो जायगोट या ऊस्पोर के रूप में मेंटेन रहती है। दिस द रेस्टिंग कंडीशन ऑफ लाइफ और पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर। साइनोफाइसी का मैटर है वो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि साइनोफाइसी के अंदर या साइनोफाइसी जो मेंबर्स हैं उनकी लाइफ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। बाकी सभी क्लासेज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा, बट साइनोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। थोड़ी देर पहले हमने बात की कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अच्छे जीन्स अगली पीढ़ी में पहुंचाए जा सकते हैं, उनका अच्छा कॉम्बिनेशन अगली पीढ़ी में लाया जा सकता है, जिसका आगे जीवों को या उस स्पीसीज को इवोल्यूशन की दृष्टि से फ़ायदा होता है। तो साइनोफाइसी को ऐसे फ़ायदे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो नहीं मिलते, बट कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं साइनोफाइसी के, जैसे कि एनासिस्टिस है, सिलेंड्रोस्पर्मम है, इनमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं पाया जाता, लेकिन जैसे बैक्टीरिया में हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, ट्रांसडक्शन पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से एक्स्ट्रा जो जीन्स हैं उन जीन्स का समावेश हो जाता है, और ऐसी मैकेनिज्म जिनमें गैमेट्स ना बन रहे हों, गैमेट्स फ्यूज नहीं हो रहे हों, उनके अलावा किसी अन्य तरीके से जेनेटिक स्ट्रक्चर में कोई फेरबदल अगर हो पा रहा है तो उसे हम बोलते हैं पारासेक्सुअलिटी। तो एनासिस्टिस, सिलेंड्रोस्पर्मम, इनमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू द साइनोफाइसी, बट ऐसा होने के बावजूद भी पैरासेक्सुअलिटी के जो फ़ायदे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हो रहा हो या ट्रांसडक्शन के थ्रू हो रहा हो, कुछ जीन्स हैं वो इनके साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं, और इनके अंदर पैरासेक्सुअलिटी के पाए जाने से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो मिलेगा। ये जो हमें डायग्राम दे रखे हैं, ये पहला डायग्राम एनासिस्टिस का है, दूसरा डायग्राम सिलेंड्रोस्पर्मम का है, दोनों ही साइनोफाइसी मेंबर हैं, लेकिन इनके अंदर पैरासेक्सुअलिटी मैकेनिज्म सब पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि सेक्सुअल मैकेनिज्म की कितनी टाइप्स एल्गी में हमें देखने को मिलेंगी। तो नंबर फर्स्ट अगर हम बात करें कि ऑटोगैमी किसे बोलेंगे, ऑटोगैमी का मतलब है स्वयुग्मन, कि टू न्यूक्लियाई ऑफ सेम सेल फ्यूजअप,
कि जो भी संरचना होती है, जो भी कोशिका होती है, उसी के दोनों न्यूक्लियाई एक साथ अगर जुड़ जाएं तो उसे हम बोलेंगे ऑटोगैमी, यानी कि खुद के ही न्यूक्लियाई आपस में जुड़ जाएं, दिस इज ऑटोगैमी। ऐसा हमें देखने को मिलता है डायटम्स के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज़ ये आएगी कि हालांकि यहाँ पे खुद के ही दो न्यूक्लियाई जुड़ रहे हैं तो वो तो जेनेटिकली सेम ही होते हैं, तो डिप्लोइडी तो आ जाएगी, 2n कंडीशन तो बन जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा जीन का इंटीग्रेशन या बाहर के किसी जीन का समावेश इस मैकेनिज्म में नहीं हो पाता है। गैमी का मतलब फ्यूजन है, तो दो न्यूक्लियाई फ्यूज तो ज़रूर हो रहे हैं लेकिन वो दोनों न्यूक्लियाई सेम है, इसलिए एडवांटेज जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो सही वाला फ़ायदा जो इवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो काम का होता है जीवों के लिए, वो इनके पास नहीं आ पाता है। अगला टर्म हमें ध्यान देना है कि हम होलोगैमी किसे कहेंगे। होलो का मतलब संपूर्ण होता है, कि इन यूनिसेलर सेल जो एक कोशिके सेवाल होंगे, ये केवल उनमें देखने को मिलेगा कि स्टार्टिंग में तो कोशिका कायिक संरचना के रूप में काम आती है और जब मैच्योर हो जाती है तो वही कायिक कोशिका एक युग्मक के रूप में काम करने लग जाती है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर हम ऐसा देख सकते हैं। तो पहले तो वही सेल कायिक कोशिका के रूप में काम कर रही है, फिर वही सेल गैमेट बन जाती है, तो दैट कंडीशन जिसमें पूरी की पूरी सेल, पूरा थैलस ही सेल एक सेल का है एल्गी, तो पूरा थैलस भी वही हो गया, तो पूरा बॉडी जो है एल्गी का वो पूरा बॉडी गैमेट के रूप में काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज होलोगैमी। देन नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आती है आइसोगैमी। आइसोगैमी को हम बोलते हैं सम युग्मन, सम का मतलब समान। ये सबसे सिंपल तरीका होता है, बोथ गैमेट्स आर मोटाइल, यहाँ पे जो भी गैमेट बनेंगे उनके पास फ्लेजिला है, मोटाइल होते हैं, सेम इन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। अगर हम उनके बाहर की आकृति की बात करें तो कोई अंतर नहीं होता है, अगर उनके फंक्शंस या फिजियोलॉजी या कारिकी की बात करें तो बिल्कुल एक समान रूप से उनके कार्य होते हैं, तो किसी भी एंगल से गैमेट्स में कोई फ़र्क नहीं होता, ऐसे गैमेट्स को हम बोलते हैं आइसोगैमेट्स। जब ना वो संरचना में अंतर रखते हैं ना वो फंक्शन में अंतर रखते हैं तो यहाँ पे हम उनको माइक्रो मेगा या मेल फीमेल ऐसे वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो हम अपनी सहूलियत के लिए प्लस और माइनस के रूप में इनको रिप्रेजेंट करते हैं, कि कुछ गैमेट्स को प्लस गैमेट माइनस गैमेट ऐसे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, मेल फीमेल और माइक्रो मेगा ऐसा यहाँ पे नहीं बोला जाता क्योंकि वो अंतर वाले नहीं हैं। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज शोनी है, यूलोथ्रिक्स है, इनमें आइसोगैमी देखने को मिलती है। अगली कैटेगरी थोड़ी सी इसे एडवांस होती है, दैट इज कॉल्ड एज एन आइसोगैमी। तो आइसो का नकारात्मक है एनआइसो, यानी कि सम का नकारात्मक असम युग्मन हो जाएगा, असम युग्मकी हो जाएगा। अब यहाँ पे असम बोलने का मतलब अंतर अंतर स्टार्ट हो गया, तो बोथ गैमेट्स आर अलाइक, अलाइक नहीं आएगा, बोथ गैमेट्स आर नॉट अलाइक आएगा, कि वो समान नहीं होते हैं, अलाइक का मतलब तो समान होता है, मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली लेवल के ऊपर ये असमानताएँ होती हैं, कि या तो वो संरचना में अंतर रख रहे हैं या वो फंक्शंस में अंतर रख रहे हैं। अब हम पहले देखते हैं कि अगर वो मॉर्फोलॉजी में अंतर वाले हैं तो हम बोलेंगे उनको मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी, कि गैमेट्स मोटाइल होंगे सैप को लेकर के, स्ट्रक्चर को लेकर के बिल्कुल समान होंगे, बट डिफरेंट इन साइज, शक्ल उनकी एक जैसी होगी, सैप स्ट्रक्चर सेम होगी लेकिन साइज छोटे बड़े होंगे, जो छोटा होगा उसको हम माइक्रो बोलेंगे, बड़ा होगा उसको हम मैक्रो बोलेंगे, तो ओनली द डिफरेंस जो है दैट इज ऑफ साइज, नॉट सैप एंड स्ट्रक्चर, ध्यान रखना आपको, सैप स्ट्रक्चर का डिफरेंस नहीं है, केवल साइज का डिफरेंस है, एक छोटे रह जाते हैं दूसरे बड़े हो जाते हैं। ऐसा हम क्लेमाइडोमोनास की ब्राउनी स्पीसीज है, एक्टोकार्पस की सेकंडस स्पीसीज है, इनमें ऐसा देखने को हमें मिलता है। ये एक प्रकार का ट्रांजिशन है, इससे आगे वाली जो मैकेनिज्म जिसको हम ओगैमी में पढ़ेंगे वहाँ पे ये अंतर और एक्सट्रीम हो जाता है, यहाँ पे केवल अंतर चालू हुआ है कि वो केवल एक छोटा और एक बड़ा होने लग गया है। तो जो छोटे होते हैं वो माइक्रोगैमेट्स हैं, जो बड़े हैं वो मेगा गैमेट्स या मैक्रोगैमेट्स ऐसे इनको बोलेंगे। देन नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है कि उनमें फिजियोलॉजिकली अंतर हो,
तब हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी कि मोटाइल गैमेट्स और सिमिलर मॉर्फोलॉजी कि मॉर्फोलॉजी तो उनकी सेम है बट डिफरेंट इन फिजियोलॉजी, लेकिन वो काम करने की दृष्टि से अलग अलग हैं। काम करना या फिजियोलॉजी बोलने का मतलब ये है कि उनकी जो रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कुछ छोटे वाले जो कुछ हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, दे आर मेल गैमेट्स, जो कम एक्टिव होते हैं दे आर फीमेल गैमेट्स। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ एक्टिविटी, डिफरेंस ऑफ फंक्शंस, डिफरेंस ऑफ फंक्शनिटी, डिफरेंस ऑफ द फिजियोलॉजी। तो अगर ऐसे अंतर हो तो हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी, जैसा हम स्पायरोगायरा के अंदर देख सकते हैं। इसके बाद में अगली कैटेगरी आती है हमारे पास उगैमी की। उगैमी एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे एडवांस तरीका हो जाता है कि मोस्ट एडवांस मैकेनिज्म है। यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट हैं वो बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों प्रकार के अंतर रखते हैं, तो दोनों बिल्कुल ही अलग चीज़ें होती हैं। अगर हम मेल गैमेट की बात करें तो उसे हम बोलते हैं एंथेरोजॉइड। यहाँ पे आप एंथेरोजॉइड वर्ड को समझने की कोशिश करें। एंथेरो का मतलब होता है, एंथर का मतलब होता है मेल साइड, और जॉइड जो है, जॉइड का मतलब जैसे जूलॉजी का मतलब एनिमल से होता है जिनमें मूवमेंट है, और जॉइड का मतलब एक छोटी सी स्ट्रक्चर जिसमें मूवमेंट हो, देयरफॉर जॉइड। तो मेल साइड है, मेल गैमेट हैं जो गति रखते हैं, दे आर द एंथेरोजॉइड, और इसी को हम कई बार एंथेरोस्पर्मेटोजॉइड भी बोल देते हैं। तो एंथेरोजॉइड बोलेंगे तो भी वही बात है, एंथेरोस्पर्मेटोजॉइड बोलेंगे तो भी वही बात है। इनका निर्माण जिस युग्मक धानी में होगा उसे हम बोलेंगे एंथेरिडियम। तो एंथेरिडियम की फॉर्मेशन जो है, एंथेरिडियम का जो नर युग्मक धानी का जो बनना है वो एल्गी में स्टार्ट हो जाएगा। उगेमस प्रकार का रिप्रोडक्शन जिनमें है उन्हीं में हमें ये मिलेगी। इसके बाद में अगर हम जाएं आगे तो ब्रायोटेडो, जिम्नो, इन सभी पौधों में हमें एंथेरिडियम मिलता है। जब हम एंजियोस्पर्म में जाएंगे तो वहाँ पे हमें एंथरलॉप्स या माइक्रोस्पोरेंजिया मिलने लग जाते हैं। ये जो मेल गैमेट या एंथेरोजॉइड्स हैं दे आर स्मॉल साइज, संख्या में ज़्यादा होते हैं इसलिए आकार में छोटे होते हैं, स्मॉल साइज, फ्लैजिलेट हैं, क्योंकि जॉइड वर्ड आ रहा है तो फ्लैजिला होगा तभी मूवमेंट होता है, फ्लैजिलेट हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, एक्टिव का मतलब स्विमिंग करते हैं पानी की पतली फिल्म के अंदर, बहुत ज़्यादा तैरते हैं। न्यूमरस इन सिंगल एंथेरिडियम, तो एक नर युग्मक धानी के अंदर बहुत सारे नर युग्मक या मेल गैमेट या एंथेरोजॉइड या एंथेरोस्पर्मेटोजॉइड बनते हैं जिनके पास फ्लैजिला भी हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दूसरी साइड में जो गैमेट है दैट इज़ कॉल्ड एज फीमेल गैमेट, जिसको हम एग भी बोल सकते हैं और ओवम भी बोल सकते हैं। इसकी खास बात ये होती है, ये जिस युग्मक धानी में बनेगा उसको हम बोलते हैं उगोनियम, और उगोनियम के अंदर ये जो फीमेल गैमेट बन रहा है ये हमेशा नॉन मोटाइल होता है, इसके पास फ्लैजिला नहीं होते हैं, और मेल गैमेट की तुलना में इसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो बिगर इन साइज। और साइज बड़ा क्यों हो गया उसकी अगर हम बात करें तो इसने काफ़ी सारा फूड रिजर्व मटेरियल के रूप में इकट्ठा कर रखा है, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर फूली हुई हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो विथ रिजर्व फूड ये स्ट्रक्चर है, और जैसा कि हम देख रहे थे कि एक एंथेरिडियम में बहुत सारे एंथेरोजॉइड बनते हैं, लेकिन एक जो मादा युग्मक धानी जिसको हमने उगोनियम नाम दिया है उसमें केवल एक ही एग या एक ही ओवम का निर्माण होता है। तो दिस इज द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक शुरुआत है ये, जहाँ पे एक साइड जो है सेक्सुअलिटी की, जहाँ पे मेल साइड है वहाँ एंथेरिडियम बन गया है, उसमें बहुत सारे लेकिन छोटे छोटे ज़्यादा एक्टिव बिना रिजर्व फूड वाले गति रखने वाले एंथेरोजॉइड बनते हैं, जबकि दूसरी साइड में ऐसी युग्मक धानियाँ बन गई जिनमें केवल एक ही गैमेट है और वो बहुत मोटा हो गया है, उसकी गति नहीं है और वो वहीं रहता है, रिटेनिंग पावर उसके अंदर आ गई है, दैट इज़ फीमेल साइड। तो आइसोगेमी में कोई अंतर नहीं था, एनाइसो में अंतर आ गए थे मॉर्फो को लेकर के, फिजियो को लेकर के, और उगेमी में तो एक्सट्रीम कंडीशन है कि एक साइड तो ज़्यादा एक्टिव और छोटे वाले हैं, दूसरी साइड में कम एक्टिव और बड़े वाले हैं, संख्या का भी अंतर आ गया है कि जो छोटे हैं वो बहुत सारे बन रहे हैं और जो बड़े हैं वो सिंगल बन रहे हैं।
ये बातें रही उगेमी को लेकर के। अब आपको यहाँ पे एक स्पेशल केस साथ में जोड़ लेना है, दिस इज़ द केस ऑफ पॉलीसाइपोनिया। पॉलीसाइपोनिया रोडोफाइसी का मेंबर है, जो बीएससी एमएससी सभी सिलेबस का पार्ट होता है पॉलीसाइपोनिया। यहाँ जो मेल गैमेट बनेंगे उनमें फ्लैजिला नहीं होते हैं मोस्टली। बाकी सभी एल्गल क्लासेज में जो भी मेल गैमेट बनेगा उसका नाम एंथेरोजोइड था, उस पर फ्लैजिला होते हैं, बट यहाँ जो मेल गैमेट बन रहा है उसके पास फ्लैजिला नहीं है और इसका नाम होता है स्पर्मेशियम, और बहुवचन में हम इनको बोलते हैं स्पर्मेशिया। और ये जिस धानी में बनेंगे उस धानी का नाम हो जाएगा स्पर्मेटेंजियम, वहाँ होता है एंथेरिडियम और इनकी धानी का नाम होगा स्पर्मेटेंजियम। अब यहाँ जब हम स्पर्मेशिया की बात कर रहे हैं या स्पर्मेशियम की बात कर रहे हैं या नॉन फ्लैजलेट मेल गैमेट की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक दूसरी चीज़ और याद होनी चाहिए कि रिकॉल पक्सीनिया, पक्सीनिया फंगस है फॉर मैचिंग। तो पक्सीनिया की लाइफ साइकिल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे पिकनियोस्पोर्स बनते हैं, और वो पिकनियोस्पोर्स एक प्रकार के मेल गैमेट की तरह ही बिहेव करते हैं, उनको भी हम कई बार स्पर्मेशिया बोलते हैं, वो भी मेल गैमेट हैं, उनके पास भी फ्लैजिला नहीं होते हैं। तो एक ऐसा वर्ड है जो एल्गी में आपको पॉलीसाइफोनिया से कनेक्ट करता है, बट बात वही है कि ये मेल गैमेट विदाउट फ्लैजिला है, और दूसरी साइड में फंगस में पक्सीनिया से आपको ऐड करेगा जहाँ पर भी वो मेल गैमेट लेकिन विदाउट फ्लैजिला ही होता है। अगर हम पॉलीसाइफोनिया के उगोनियम को देखें तो यहाँ का उगोनियम भी खास होता है, इसका नाम होगा कार्पोगोनियम। वहाँ हम सिंपली उगोनियम बोलते हैं, यहाँ पे बोलेंगे कार्पोगोनियम। और कार्पोगोनियम की इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि इसका नीचे का भाग तो फुला हुआ होगा सोलन बेस, लेकिन इसका ऊपर का भाग एक ट्यूब के रूप में, एक पर्वत जैसे बनावट के रूप में बाहर दूर तक निकल करके एक चोंच जैसी संरचना बनाता है जिसे हम बोलते हैं ट्राइकोगाइन। तो कार्पोगोनियम जो वर्ड है दैट इज इक्वलेंट टू उगोनियम, बराबर है उगोनियम के, लेकिन हम हर किसी उगोनियम को कार्पोगोनियम नहीं बोलेंगे, जिसके पास एक चोंच नुमा ट्राइकोगाइन हो उसको हम कार्पोगोनियम बोलेंगे। और ऐसी फीमेल गैमेटेंजियम हमें देखने को मिलती है पॉलीसाइफोनिया के अंदर। तो ये हमने इस वीडियो में बातें की कि सेक्स रिप्रोडक्शन क्या है, उसके अंदर कौन सी मैकेनिज़म्स हो सकती हैं, गैमेट्स को लेकर के हमें किन बातों का ध्यान रखना है, मेल गैमेट के साथ में कौन से पॉइंट हैं, फीमेल गैमेट के साथ में कौन से पॉइंट हैं, स्ट्रक्चर, फंक्शन, फिजियोलॉजी, और फिर पॉलीसाइपोनिया के मैटर में हमें स्पर्मेशियम, कार्पोगोनियम, ट्राइकोगाइन, इन सारी बातों को कैसे तैयार करना है। तो आई होप ये सारी बातें आपकी तैयार हुई हैं और क्लियर हुई हैं, तो आप इस वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखेंगे और एक प्रॉपर नोट तैयार करेंगे। ओके देन, थैंक यू सो मच।